नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। खबर सिवनी से, जहां जुआरियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। जी हां, बहुत बार आपने सुना होगा पुलिस ने जुए को पकड़ा, आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो पैसा भी था वो भी जब्त किया। लेकिन एक अनोखा मामला सिवनी में सामने आया, जहां सिवनी कोतवाली पुलिस ने निकाला 17 जुआरियों का पैदल जुलूस। जुलूस कोतवाली से तहसील कोर्ट तक पैदल ले गए जुआरियों को और सिवनी के शहीद वार्ड कटंगी रोड में घेराबंदी कर पकड़ाए आरोपियों से 4,310 रुपये नकद जब्त किए। वहीं 17 आरोपियों को एक साथ एक ही स्थान पर जुआ खेलते पकड़ा था। जुआ और पूल, 17 मोबाइल जब्त किए। एक आरोपी के पास धारदार चाकू भी बरामद हुआ। सभी को पैदल ले जाकर तहसील न्यायालय में पेश किया। अभी COVID-19 महामारी वैश्विक जो चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना मास्क और जहां पर नियमों के विरुद्ध लोग जमुआड़ा बना के रहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके तारतम्य में कल राज्य में सूचना मिली थी कि कुछ लोग होशियारी मोहल्ला में पुल के पास में पुल के बहाने इकट्ठी होकर के और धुआं पत्ती ताश पत्ती खेल रहे हैं। ऐसे सूचना पर वहाँ पर मैं स्टाफ को भेज करके तस्दीक की गई, सूचना सही पाई गई और रेड कार्रवाई की गई, जिसमें अलग अलग वहाँ पर खड़ बैठे हुए थे और उनसे 17 मोबाइल जब्त हुए हैं, 4,310 रुपये जब्त हुए हैं और एक व्यक्ति के पास चाकू मिला है बटनदार, पुराना आरोपी भी और साथी बदमाश भी है। सिवनी से सतीश चंद्रा की रिपोर्ट।